गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म। आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। आज हम मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जानेंगे। इसे भारत ने पहली बार पूर्ण स्वदेशी रूप में निर्माण किया है। इसका नाम विक्रांत रखा गया है। इसकी पहली समुद्री परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। इस ऐतिहासिक विकास से हमारी भारतीय नौसेना का मनोबल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। आईएसएस विक्रांत सबसे बड़ा युद्धपोत जिसे भारत ने बनाया है, जिसमें महिला अधिकारियों के लिए विशेष कैबिन बनाया गया है। बुधवार को इसे महत्वपूर्ण समुद्री परीक्षणों के लिए निर्धारित किया गया। इसके नियोजित प्रेरणा से पहले भारतीय नौसेना में एक साल से भी कम समय में विक्रांत ने भारत को चुनिंदा लीग में डाल दिया है। सिर्फ यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना में क्षमता थी एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण करने में। आईसी 262 मीटर लंबा, 62 मीटर का बीम और इसकी हाइट 59 मीटर तक की है। इसमें 14 डेक, अधिरचना सहित 5 2300 कंपार्टमेंट है, जिसमें 1700 कर्मी दल समायोजित के लिए किए जा सकते हैं। महिला अधिकारियों समेत विक्रांत 50 साल बाद रवाना हुआ। 1971 में इसने युद्ध के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। विक्रांत हमारे भारत के गवर्नमेंट के लिए रक्षा में बड़ा कदम है। आत्मनिर्भरता की तलाश में इस मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए हितधारकों के समर्पित प्रयासों से ये संभव हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे भारत के लिए एक गौरव का क्षण कहा है। ये आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारी सच्ची साक्ष्य है। इसका वजन 45,000 टन और 47,500 डिस्प्लेसमेंट टन है। इसकी ऊपर की गति 28 नॉट, सामान्य गति 18 नॉट और सहन शक्ति 7,500 की नॉटिकल माइल है। इसे बहुत उच्च डिग्री मशीनरी और नेविगेशन उत्तरजीविता स्वचलन के लिए बनाया गया है। विक्रांत पर MiG-29 के लड़ाकू जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर सहित MH-60R काम करेगा। विक्रांत को कोचीन में बनाया गया और 2022 के मध्य में चालू होने की संभावना है। है ना, ये भारत के लिए एक गौरव की बात और एक ऐतिहासिक क्षण और साथ ही आश्चर्य कर देने वाली बात। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube में हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।